हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ कौन सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बनाएंगे भुने हुए चने का लड्डू, जो बच्चे बूढ़े बड़े सभी के लिए बहुत ही हेल्दी है। तो यहाँ हमने देखी ये भुने हुए चने लिए हैं और इसमें जो छिलके एक्स्ट्रा लगे हुए थे उसको मैंने अलग कर दिए हैं और जो इसमें अटैच्ड थे वो मैंने इसी में लगा रहने दिया है। और इसको अब हम चलिए मिक्सी में पीस लेंगे। बिल्कुल फाइन पाउडर बनाना है इसका, तो इसको चलिए पीस के हम अच्छे से तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए अच्छे से पीस गया है और इसको अब हम पीसने के बाद छन्नी की हेल्प से इसको थोड़ा छान लेंगे ताकि इसमें जो छिलके हैं वो अलग हो जाए और मोटा मोटा भी पार्ट अलग हो जाए। और हमें फ़ाइन पाउडर चाहिए तो वो हम छान के अलग कर लेंगे। तो ये देखिए बिल्कुल फ़ाइन पाउडर निकला हुआ है, जैसे बेसन का पाउडर होता है वैसे ये बेस ये है। और ये जो एक्स्ट्रा निकला हुआ है इसको भी हम मिक्सी में एक बार और चला लेंगे ताकि इसमें जो थोड़ा सा है वो भी पाउडर निकल आएगा। तो मैंने सब पीस के तैयार कर लिया है और चलिए अब हम चलते हैं गैस की तरफ। तो यह हमने गैस ऑन कर दिया है, उस पर एक कढ़ाई रख दी है और लगभग मैंने एक कप के अनुसार घी डाल दिया है। तो इसमें एक कप घी डालेंगे और दो कप डालेंगे जो चने का मैंने पाउडर बनाया है वो डालेंगे और थोड़ा सा इसको अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। वैसे तो ये पहले से भुना होता है मगर थोड़ा सा और भून लेंगे तो इसमें अच्छी सी खुशबू आ जाएगी, थोड़ा सा इसका टेस्ट अच्छा आ जाएगा। तो लगभग इसको हम 10 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। बस ये भूनकर तैयार हो गया है, इसको ज़्यादा नहीं भूनना है। अगर ज़्यादा भूनेंगे तो इसमें थोड़ा सा महक आ जाएगा, तो इसको ज़्यादा नहीं भूनेंगे। बस हल्का सा रोस्ट होने तक अच्छे से कर लेंगे, भून लेंगे। तो ये भून कर तैयार हो गया है। चलिए अब हम इसको गैस से अलग कर देते हैं। देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया हल्का सा। तो अब गैस को ऑफ कर देते हैं और इसको थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। इसमें जब हम चीनी मिलाएं तो इसमें मेल्ट ना हो। तो ये रूम टेम्परेचर पे ठंडा हो गया है और इसमें लगभग मैंने दो कप चीनी ऐड कर दिया है। तो मैंने इसमें दो कप चने का पाउडर लिया था तो दो कप मैंने ही इसमें चीनी भी लिया है और थोड़ा सा टेस्ट के लिए मैंने इसमें डेसिकेटेड कोकोनट डाल दिया है। आप इसमें चाहें तो ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं, उससे और भी हेल्दी हो जाएगा ये लड्डू। और चलिए अब चीनी और चने के पाउडर को अच्छे से मिला लेते हैं। तो इसको दोनों हाथ से मसल के अच्छे से मिलाना है। तो ये देखिए सारी चीनी और दोनों चीज़ मिल गई है अच्छे से। अब चलिए हम लड्डू बनाना शुरू करते हैं। तो लड्डू तो आप जानते ही होंगे कैसे बनते हैं, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसको मैंने हाथ में लेकर अच्छे से दबा दबा के लड्डू तैयार कर लिया है और हमारे ये हेल्दी लड्डू टेस्टी लड्डू तैयार हो गए हैं। तो आप भी ये हेल्दी लड्डू बनाकर खाकर एंजॉय करिए। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।